News 18, India. और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर पूछा था कि आप सर्वे क्यों चाहते हैं। हालांकि अब हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई थी, और अब आज इस मामले में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अब सुनवाई होनी है। तो सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, क्योंकि इस मामले पर अब सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, तब क्या हुआ था और आज महत्वपूर्ण दिन? देखिए बिल्कुल पंकज, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसने उसी की अर्जी पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उस पर उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जो बाकी चीजें चल रही थी सुनवाई के लिए उस पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन सिर्फ जो कोर्ट कमिश्नर थे उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तो आज उस मामले की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई हो नहीं पाई थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है। और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति क्यों इस मामले में जरूरी है, इसे लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा, और वहीं मुस्लिम पक्ष जो है उसका विरोध है इस बात को लेकर। उनका ये कहना है कि कोर्ट कमिश्नर इसमें नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। तो आज ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि कोर्ट इस मसले पर क्या रुख अपनाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विक्रांत यादव आपका। और चलिए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद आखिर है क्या। मथुरा शाही ईदगाह विवाद 350 साल पुराना है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि को देने की भी मांग की गई। हिंदू पक्ष का शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। हिंदू पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 11 एकड़ जमीन का मालिकाना हक, शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। दरअसल मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मौजूद है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर कमल, ओम और शेषनाग की आकृति मौजूद है और ये आकृतियां सनातन धर्म की प्रतीक हैं। शाही ईदगाह में हिंदू के होने का सबूत है और शाही ईदगाह में स्वास्तिक का भी चिन्ह मौजूद है। तो ये तमाम जानकारियां शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक बताए गए हैं। मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह है। तो ये तमाम बातें हिंदू पक्ष इसका दावा कर रहा है। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच सामने आएगा, ये भी दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं अब निकल के आ रही हैं। हिंदू पक्ष ने ये तमाम दावे किए हैं कि वैज्ञानिक सर्वे होगा तब ये सच समझ के आएगा, सामने आएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह में कमल है, ओम है, शेषनाग का निशान है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद में कोई चिन्ह या आकृति नहीं है। तो दोनों में कितना डिफरेंस आप देखिए, हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है। ईदगाह में कमल है, ओम है, शेषनाग का निशान है, हिंदू पक्ष ने दावा किया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाते हैं कि अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आखिर क्या चल रहा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगी हुई है। पिछली सुनवाई की बात करें तो 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। दरअसल 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में केस की सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी, यह कहा गया था।